कांग्रेस के कार्यालय पर एक कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मथुरा में भाजपा के प्रत्याशी हेमा मालिनी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि मथुरा में लड़ाई ब्रजवासी और प्रवासी के मध्य हो रही है। 10 साल से मथुरा संसदीय क्षेत्र की हेमा मालिनी सांसद है। इसके बावजूद भी मथुरा जनपद की जनता से किए गए वादों पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया है। न यमुना साफ हुई, न मथुरा को NCR में शामिल किया गया, न कोई कॉरिडोर बना जिसे ब्रजवासी अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं। मथुरा में लोकसभा के हमारे समन में बैठक थी, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हमारे आदरणीय उम्मीदवार और साथ में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, लोक दल, अन्य सभी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी इसमें उपस्थित थे। चुनाव के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है, 24 तारीख तक के प्रचार का काम चालू है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में सभी जगह एक बेहतर समन्वय के साथ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सभी जगह बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से अधिकांश से भी ज्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनकर आ रहे हैं, ऐसा क्लियर स्पष्ट चित्र सामने दिख रहा है।